जिनकी आवाज है बुलंद, जिनकी सिंगिंग डायरेक्ट दिल को छूती है, जिनकी उम्दा आवाज को सुनकर हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर इतना बेहतरीन गाने वाला क्यूट कपल कौन है और ये रातों रात कैसे वायरल हुआ, तो ये वायरल कपल है द कंपोजर, सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर परंपरा ठाकुर एंड साजिद टंडन। अगर आपको ये लग रहा है कि ये नॉर्मल कपल है तो आपको गलत लग रहा है। तो इन्होंने बेख्याली, मेरे सोनिया, पल पल दिल के पास, मुकाबला जैसे कई पॉपुलर हिट सॉन्ग बॉलीवुड को दिए हैं और अभी हाल में बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहे छोड़ देंगे सॉन्ग भी इन्होंने गाया है। भर गया है जो हमसे, सारे रिश्ते तोड़ देंगे, जिस दिन आदत बनेंगे उसी दिन ही छोड़ देंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इस वायरल कपल की लाइफ स्टोरी के थ्रू वो सारे अनसुने राज जानेंगे जो आप नहीं जानते होंगे। और इस वायरल कपल में हस्बैंड का नाम है साचे टंडन और वाइफ का नाम है परंपरा ठाकुर। हम इनकी प्यारी सी लव स्टोरी भी जानेंगे जो होने वाला है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 28 फरवरी 1992 को यूपी के नोएडा के म्यूजिकल ठाकुर फैमिली में प्यारी सी बच्ची का जन्म हुआ जिसका नाम परंपरा रखा गया। परंपरा की फैमिली में इनके मम्मी पापा सिंगिंग करते थे जिसकी वजह से परंपरा 3 साल की उम्र में ही सिंगिंग करने लगी थी और इनके जन्म से पहले ही इनके मम्मी पापा ने 1991 में नोएडा में एक म्यूजिक इंस्टीट्यूट खोला था जो नोएडा का पहला म्यूजिक इंस्टीट्यूट था और वहीं पे जाकर परंपरा अपनी सिंगिंग की ट्रेनिंग लेती थी। परंपरा ने अपनी स्कूलिंग नोएडा के एक स्कूल से किया था और अपनी कॉलेज की पढ़ाई लेडी श्रीराम कॉलेज से की थी और इन्होंने अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद 2015 में द वॉइस इंडिया में ऑडिशन दिया। इनका ये पहला ऑडिशन था, तब ये 23 साल की थी और इनके पहले ऑडिशन में इनका सिलेक्शन हो गया था और इन्होंने मीका की टीम को चुना था। और ये इस शो की सेकंड रनर अप रही है। तो चलिए साचेत और परंपरा की लव स्टोरी जानने से पहले हम साचेत टंडन के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। 17 अगस्त 1989 को यूपी के नवाबों के शहर लखनऊ के पंजाबी फैमिली में एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम साचेत टंडन रखा गया। उनकी फैमिली में किसी को भी म्यूजिक का इंटरेस्ट नहीं था लेकिन इनको बचपन से ही गाना गाने का बहुत ज्यादा शौक था। इन्होंने अपनी स्कूलिंग सेंट फीडल्स कॉलेज से किया है और अपनी स्कूलिंग के टाइम से ही इन्होंने गाना सीखना स्टार्ट कर दिया था और जब ये कॉलेज में थे तो ये बैंड इन्होंने ज्वाइन कर लिया था जिसमें ये गाना गाया करते थे। इन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई अपनी लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया है। साचेत ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑडिशन दिया है लेकिन जब ये द वॉइस इंडिया में ऑडिशन दे रहे थे तो इन्होंने सोचा कि ये मेरा लास्ट ऑडिशन होगा। लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि हमारी आखिरी कोशिश ही हमें हमारी सफलता की बुलंदियों तक पहुँचा देती है और कुछ ऐसा ही हुआ। इन्होंने जब ऑडिशन दिया तो द वॉइस इंडिया में इनका सिलेक्शन हो गया। जब इन्होंने शो में पहली बार परफॉर्म किया तो सारे जजेस इनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए और सभी अपने टीम में आने के लिए इन्हें इंसिस्ट करने लगे और हिमेश रेशमिया ने तो यहाँ तक कह दिया कि मेरे गोल्डन जूते ले लो लेकिन मेरी टीम में आ जाओ। टीम में आ जाए, गोल्डन जूते तेरे। सर जूता दे दीजिए। कहते हैं ना कि कड़ी मेहनत कभी भी खराब नहीं जाती है और साचेत को ये सब देखकर ऐसा ही लग रहा था और इन्होंने हिमेश रेशमिया की टीम को चुना और ये टॉप 4 में पहुंचे। तो चलिए साचेत और परंपरा की प्यारी सी लव स्टोरी जान लेते हैं। द वॉइस इंडिया के टॉप 4 में जब ये लोग पहुंचे तो तब साचेत ना किसी से बात नहीं किया करते थे लेकिन परंपरा ने इनिशिएटिव लिया और साचेत को कॉन्ग्रेचुलेशन विश किया। लेकिन साचेत का बहुत ज़्यादा मूड खराब था जिसकी वजह से उन्होंने परंपरा को कहा चल हट, लेकिन परंपरा ये सुनकर बहुत ज़्यादा रोने लगी लेकिन साचेत ने उन्हें मनाया और बोला कि प्लीज़ मत रो, मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन इनकी तब ऐसे ही बात हुई थी, उसके बाद से इस शो में इनकी कभी बात नहीं हुई थी। लेकिन रुको रुको, ट्विस्ट अभी बाकी है। ये शो खत्म हो गया और मीका ने 5-6 महीने बाद एक पार्टी थ्रो की। इस पार्टी में साचेत भी आए थे और परंपरा भी आई थी। इस पार्टी में दोनों की मुलाकात हुई और कुछ बात हुई। इसके बाद ये लोग होम टाउन चले गए लेकिन फिर से मिलने का मन बनाया। फिर इन लोग कुछ दिनों बाद मुंबई आए।
मुंबई में ये लोग कवर सॉन्ग और जैम सॉन्ग गा ही रहे थे कि विद इन वन ईयर श्री नारायण सर के थ्रू इन्हें टॉयलेट में गाना गाने का मौका मिला। इसके बाद ये अमला पगला दीवाना फिर से बत्ती गुल मीटर चालू पल पल दिल के पास में गाने का मौका मिला। लेकिन 2019 इनके लिए बहुत ज्यादा लकी रहा क्योंकि उसमें इन्होंने बेख्याली सॉन्ग गाया जो बहुत ज्यादा सुपर डुपर हिट हुआ, जिसके लिए इन्हें नेशनल और इंटरनेशनल काफी ज्यादा अवार्ड मिले। और इन्होंने अभी हाल में ही छोड़ देंगे सॉन्ग गाया जो बहुत ज्यादा सुपर डुपर हिट हुआ और बहुत तेजी से वायरल हुआ। ये म्यूजिक डायरेक्टर और कंपोजर भी हैं। ये बॉलीवुड के पहले मेल फीमेल म्यूजिक डायरेक्टर और कंपोजर हैं। साथ में काम करते करते इन लोगों को कब प्यार हो गया पता नहीं चला। और इस 5 साल के सफर के बाद इन्होंने 27 नवंबर 2020 को शादी करने का मन बनाया और शादी कर ली। और अब ये अपने शॉर्ट वीडियो और रील्स के थ्रू काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। लोग इनकी सिंगिंग को सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जा रहे हैं कि कैसे कोई इतना अच्छा गा सकता है। अगर इनके सोशल मीडिया में फॉलोवर्स की बात करें तो साची टंडन के इंस्टाग्राम पर 6,40,000 फॉलोवर्स हैं और परंपरा ठाकुर के इंस्टाग्राम पर 6,30,000 फॉलोवर्स हैं और यूट्यूब पर इनका खुद का एक चैनल है जिसपे 7,23,000 सब्सक्राइबर है। तो चलिए, मैं आशा करती हूँ कि आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर मिल गए हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इनके बारे में आप कुछ और भी जानते हैं तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हमारी वीडियोस पहुंचे सबसे पहले आपके पास, उसके लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।